हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बनाए रखना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मैं आप लोगों के पास नए नए मोटिवेशन स्पीच लेके आता रहूं और वीडियो बनाता रहूं, ऐसे ही मैं भी मोटिवेट हो सकूं। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुखी जीवन का रहस्य। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में दुखों से परेशान हैं तो यह कहानी आपको जरूर सुननी और वीडियो को देखनी चाहिए। इस कहानी से आपको एक ऐसी सूत्र मिलेगा जिससे आपको जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में भी परेशानी नहीं होगी। एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे रहस्य जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटी और बड़ी बड़ी किताबों और ग्रंथों में नहीं चाहिए। बस वह समझने में बिल्कुल आसान हो। बड़े बड़े सूत्र नहीं चाहिए। मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है। एक ऐसा रहस्य जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसे ही सूत्रों को खोज कर लाओ। उन सभी बुद्धिमान बुद्धि वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंतिम समय में सभी थक हार कर बैठ गए। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक ने कहा, हमने इतनी सारी ग्रंथें पढ़ डाली, सारी किताबें पढ़ डाली, बड़े बड़े ज्ञानीय व्यक्तियों से भी बात कर ली, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है एक गाँव में बहुत बड़े साधु है जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वे बहुत बड़े विद्वान है और आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चले। वह लोग उस साधु के पास पहुंचे, उस सम्राट की कहानी बताकर समस्या का समाधान मांगा। साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलिए। साधु ने अपने उंगली में एक अंगूठी पहनते थे। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो, यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। यह अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी है। इस अंगूठी के चमत्कार के नीचे एक छोटा सा रहस्य है। मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं है, क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं है। इसलिए इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर मौजूद एक चमत्कारी रहस्य को तब ही जानना जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, तभी इसे खोल कर देखना। लेकिन उसकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसी कभी बुरा समय नहीं आया और न ही आएगा। इसलिए मैंने आज तक इसे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें से जरूर कुछ चमत्कारी रहस्य लिखा है जो किसी भी मुश्किल स्थिति या परिस्थितियों में बाहर निकाल सकते हैं और किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इसे आप रख लो, लेकिन एक शर्त याद रखना कि इसके वचन दे दो कि ये जब कोई भी उपाय नहीं रहेगा, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, तब आपकी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तब इसे खोलना और उस रहस्य को जान लेना। लेकिन सूत्र बहुत ही कीमती है। अगर इसे ऐसे ही खोल गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो सम्राट ने वह अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आए, इसे खोल कर देख लो, आखिर कौन सा रहस्य लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन फिर सोचा कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। कुछ सालों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गए। दुश्मनों ने उनकी सारी संपत्ति, राज्य हड़प लिया। सिर्फ यही नहीं, राजा के साथ साथ उनके सभी मंत्री, सभी परिवार वालों को कैदी बना लिया गया। उसके बाद राजा किसी भी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागे जा रहे थे। उसके पीछे घोड़ों की आवाज आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा, रास्ता समाप्त हो गया, सामने एक बहुत ही भयंकर खाई है। अब तो वह राजा भी लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट तो चौंक गए कि क्या करे। फिर अचानक उसे उस साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की याद आई और सम्राट ने तुरंत वह अंगूठी खोली। उसमें से एक कागज निकला। वह कागज में एक छोटा सा वचन लिखा था जिसे वह पढ़कर चौंक गया। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। वह सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई। जो शरीर एकदम डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम से शांत हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने से कुछ नहीं। इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। यह वक्त बीत जाएगा, यह पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया और अब वो बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था और शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी,
थोड़ी देर बाद घोड़ों की पैरों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक कुछ देर बाद वहां से वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला सम्राट किस ओर चला गया। सम्राट ने चैन की सांस ली और अंगूठी फिर दोबारा वापस पहन ली। यह समय भी बीत जाएगा, यह पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया और उनके अंदर हिम्मत आ गई। इसलिए दोबारा सम्राट ने अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा कर एक रणनीति बनाई और दुश्मनों पर कब्जा किए हुए अपने किले पर हमला कर दिया। इस बार सम्राट की सही सूझबूझ और उस लड़ाई में जीत गए वो। फिर से वो अपना सम्राट पा लिए वापस और फिर से वहां के राजा बन गए। इस बार जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे तब बहुत आनंदित हो रहे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उनका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ, मैं वही राजा हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुए सैनिक, खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापिस पा लिया। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन इससे उस राजा का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। तभी एक चमत्कार पत्थर की रोशनी जब सम्राट की आंखों पर पड़ी, तभी उसको वह अंगूठी याद आई। उसने फिर से वह अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा। पढ़ते ही फिर सारा आनंद, सारी खुशी, सारा घमंड चेहरे से लापता हो गया। वह एक पल में शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा, अभी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? क्या बात हुई राजा? सम्राट ने कहा, यह भी वक्त बीत जाएगा। इस संसार में यहाँ न तुम रहोगे, न हम रहेंगे, न यह धन संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बना रहूंगा? जीवन में बहुत ज्यादा खुश या दुखी रहने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वह एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत सूत्र को गैर हम भी याद रखें कि हमारे मन में कभी भी घमंड नहीं रखें। मन हमेशा आनंदित महसूस करे और हमेशा हंसते रहे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी बुरे से बुरे समय क्यों ना आ जाए, यह सूत्र आपको हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश होकर बैठेंगे नहीं। आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत ही बनी रहेगी, क्योंकि इसे सही से समझा जाए तो जिंदगी एक खेल की तरह है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे वीडियो में कहे गए बातों से आप अगर कुछ सीख पाए हो तो